हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 9 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाओं के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएँ आखिर क्या होती हैं। पद और गुणांक के बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। तो बच्चों, बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जैसे जब भी हम चर या एक अचर को साथ साथ लिख देते हैं तो एक व्यंजक बन जाता है हमारे पास। जैसे x और 2, x जमा 2। मैंने यहाँ पर x चर को और 2 अचर को दोनों को साथ साथ लिख दिया है तो ये एक व्यंजक कहलाएगा। इसी प्रकार मैं यहाँ पर 2x जमा 4 ये लिख देता हूँ, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्स एक चर है और 2 और 4 अचर राशि हैं। तो जब हम चर और अचर को एक साथ लिख देते हैं तो चर और अचर से एक व्यंजक का निर्माण होता है। इसी प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4x। तो 4x भी एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चर है और एक अचर राशि है। तो चर और अचर राशि मिलकर के एक व्यंजक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास व्यंजक के बहुत से उदाहरण हैं। आप बहुत से उदाहरण ले सकते हैं। एक्स जमा 4 ये भी एक बीजीय व्यंजक है। एक्स घटा 9 ये भी एक बीजीय व्यंजक है। 2x की 2 जमा 4 ये भी एक बीजीय व्यंजक है। इस प्रकार से हम अनेकों बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। तो चर और अचर दोनों मिलकर के एक बीजीय व्यंजक बनाएंगे। उसके अंदर एक राशि चर होनी चाहिए और एक राशि अचर होनी चाहिए। चर राशि वो होती है जिसका मान बदलता रहता है। जैसे एक्स वाई जेड ये सब क्या चर राशि है। अचर राशि वो है जिसका मान निश्चित होता है। जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या है अचर राशि है। तो चर और अचर राशि मिलकर के बीजीय व्यंजक बनाएंगी। उसके बाद आता सर्व समीका। सर्व समीका क्या होती है? ऐसी समीकाएं जो अपने चर के मानों के लिए सदा सत्य होती है। ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए क्या हो? सत्य हो। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर ए जमा बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग जमा 2ab जमा बी का वर्ग। ये हमारे पास एक समीका है। इसे हम कहेंगे सर्व समीका। क्यों? क्योंकि ये अपने चर ए और बी के सभी मानों के लिए सत्य है। समीका क्या होती है? समीका वो होती है जिसके बीच में बराबर का निशान आए। यहाँ पर बराबर का निशान है, ये इसका बायां पक्ष है और ये इसका दायां पक्ष है। तो ये दोनों पक्ष बराबर हों, चर यहाँ हमारे पास है ए और बी। तो ए और बी का अपमान कुछ भी रखिए तो ये दोनों पक्ष हमेशा क्या आएंगे? बराबर आएंगे। अगर आप यहाँ पर ए का मान 0 बी का मान 0 लेते हैं और यहाँ पर भी, तो ये दोनों पक्ष क्या आएंगे? ए और बी के मान 0 के लिए दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर। आप ए का मान 0 लेते हैं, बी का मान 1 लेते हैं तो भी ये दोनों पक्ष हमारे पास क्या रहेंगे? बराबर। यानी चर ए बी के सभी मानों के लिए ये दोनों के दोनों पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष, दोनों क्या आएंगे? हर बार बराबर आएंगे। इसको हम कहेंगे सर्व समीका। ये कहलाती है सर्व समीका। तो ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए क्या रहे? सत्य रहे। यानी कि जो चर के सभी मानों के लिए जिसका बायां पक्ष और दायां पक्ष हमेशा बराबर रहे वो कहलाएगी सर्व समीका। तो बच्चों, जिनको जोड़ करके व्यंजक बनाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? पद। जैसे मैं एक व्यंजक लेता हूँ एक्स जमा 4, ये हमारा एक व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चर है और एक अचर है। तो ये जो व्यंजक है इसके अंदर दो पद लिए गए हैं। दो पदों को जोड़ करके व्यंजक बनाया गया है। इसके अंदर पहला जो पद है वो है x और दूसरा पद है 4। तो x और 4 ये दो पद हैं, इनको जोड़ करके व्यंजक बनाया गया है। मैं कोई एक व्यंजक और लेता हूँ 2x जमा 12, ये भी एक व्यंजक है। तो ये व्यंजक भी दो पदों को जोड़ के बनाया गया है। इसमें एक पद है 2x और दूसरा पद है 12। पद वो हैं जिनको जोड़ करके व्यंजक बनाया गया है। तो गुणांक है वो किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड, ये उसका क्या कहलाएगा? गुणांक। संख्यात्मक गुणनखंड, संख्यात्मक का मतलब समझते हो आप? संख्यात्मक का मतलब है जैसे 1 2 3 4 इस तरह कोई संख्या हो वो कहलाएगी गुणांक। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कोई भी यहाँ पर एक
व्यंजक है 2x, ये एक व्यंजक है क्यों? इसके अंदर चर्बी और अचर्बी, तो व्यंजक कहलाएगा ये। अब इस व्यंजक के अंदर संख्यात्मक गुणनखंड क्या है? संख्यात्मक है वो दो है, x नहीं है, संख्यात्मक क्या है इसके अंदर? दो। तो इस पद का जो गुणांक होगा वो हमारे पास क्या होगा? दो। गुणांक यानी गुणा का अंक, जिससे गुणा की गई है वो अंक, x को गुणा किया गया है दो से, तो गुणांक किसका हो जाएगा? दो। तो गुणांक हमेशा संख्यात्मक होगा, ये आपने ध्यान रखना। मैं यहां पर लेता हूं 4x की 2, तो इस पद का या इस बीजीय व्यंजक का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? वो होगा 4x की 2, नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा? 4। क्यों? क्योंकि गुणांक क्या होता है? संख्यात्मक गुणनखंड, संख्यात्मक। तो यहाँ पर संख्यात्मक क्या है? संख्या क्या है? 4। इसका गुणांक हो जाएगा 4। समान पद वो होते हैं जो पद क्या हो? समान हो, एक जैसे हों। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7x घटा के 9x, या 15x, ये सब क्या है? समान पद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन सब पदों के अंदर जो चर है वो क्या है? समान है। तो वो पद समान होंगे जिन पदों के अंदर जो चर राशि है वो क्या हो? समान हो, एक जैसी हो। यहाँ पर इन सब के अंदर गुणांक सब के अलग अलग है, यहाँ गुणांक 15 है, यहाँ गुणांक घटा के 9 है, यहाँ गुणांक 7 है, फिर भी ये पद समान है। क्यों? क्योंकि ये सभी एक समान चर वाले पद हैं। यहाँ पर भी चर x है, यहाँ पर भी चर x है, यहाँ पर भी चर x है, एक समान चर वाले पद क्या कहलाएंगे? समान पद। जो पद समान नहीं है वो कहलाएंगे असमान पद। जैसे 7x व 7y, ये पद हैं, ये समान नहीं है। इसी प्रकार 6xy 7yz, यानी कि 6xy 7yz, ये पद भी समान नहीं है। ये कौन से पद हैं? असमान पद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पद हैं ये समान चर के अंदर नहीं है। यहाँ पर चर है x और y, यहाँ पर चर है y और z। इसी प्रकार यहाँ पर चर है x और इस पद का जो चर है वो है y, तो ये समान चर के अंदर पद नहीं है। इनका जो चर है वो समान नहीं, इसलिए असमान पद कहलाएंगे। अब आता है बच्चों पदों के बारे में कि एकपदी, द्विपद और त्रिपद क्या होते हैं। तो नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि एकपदी जिसके अंदर एक पद हो वो कहलाएगा एकपदी, द्विपद जिसके अंदर दो पद हो वो कहलाएगा द्विपद, और जिसके अंदर तीन पद हो वो कहलाएगा त्रिपद। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक पद को, जैसे हमारे पास है 4x। तो बच्चों 4x क्या है? 4x है वो एक पदी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही पद है। इसी प्रकार 6x है, ये भी एक पदी है। 7x की 2, 10x की 2 या 10y की 2, 25x की 3, ये सब क्या है? एक पदी है। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर एक ही पद है। द्विपद जिसके अंदर दो पद हों, जैसे x जमा 4, ये द्विपद है, इसके अंदर दो पद हैं, एक 2x और एक 4। 4x की जो जमा 6, ये दो पद है। 7x जमा 15, ये भी दो पद है। 9x घटा 19, ये भी सब क्या है? द्विपद हैं, दो पद वाले हैं। फिर आते हैं त्रिपद जिसके अंदर तीन पद हों, जैसे x जमा y जमा z, तीन पद हैं इसके अंदर। x जमा y जमा 9, इसके अंदर भी तीन पद हैं। और ले सकते हैं आप x की 2, 4x जमा 9, ये भी कितने पद हैं? त्रिपद है, इसके अंदर भी तीन पद हैं, त्रिपद कहलाएगा। 1 2 3, 1 2 3, तो ये जो सब हैं ये एक पद ही हैं। जिसके अंदर दो पद हों वो द्विपद, और जिसके अंदर तीन पद हों वो त्रिपद कहलाएगा।